नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई। आतंकवादियों ने बारामुल्ला में किया बड़ा हमला। सेना के दो जवानों समेत तीन सुरक्षा कर्मियों की मौत। पुलवामा में 5 पुलिसकर्मी घायल। सुप्रीम कोर्ट में आज घर को लेकर बड़ी सुनवाई। यूनिटेक बिल्डर के गुड़गांव और नोएडा के प्रोजेक्ट के फ्लैट अवंतिया ने लगाई है याचिका। यूनिटेक बिल्डर खरीदारों को पैसा लौटाने को भी तैयार नहीं। पंजाब में कांग्रेस ने शुरू की आम आदमी पार्टी को झटका देने की कोशिश। आपके दो सांसदों को अपने साथ मिलाने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी की अगुवाई में बन रही है रणनीति। महाराष्ट्र के राजभवन परिसर में मिला अंग्रेजों के समय का 150 मीटर लंबा बंकर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बंकर का लिया जायजा। राज्यपाल ने बंकर को संरक्षित करने के दिए निर्देश। और रियो ओलंपिक में भारत की शटलर पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। चीन की खिलाड़ी को बड़े मुकाबले में दी शिकस्त। सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी से होगी टक्कर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के नोहटा में हुए आतंकी हमले के बाद अब बारामुल्ला में बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में सेना के दो जवानों समेत तीन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। एहतियातन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं पुलवामा में भी ग्रेनेड हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में कल रात एक पुलिस चौकी पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, जिससे कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कश्मीर घाटी में जारी हिंसा और घुसपैठ से लेकर आतंकी वारदाताओं के बीच थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग आज स्थिति का जायजा लेने जम्मू का दौरा करेंगे। पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी भी आज जम्मू में मौजूद होंगे। बख्शी के ही अगला सेना प्रमुख बनने की संभावना है। कश्मीर में आतंकी हिंसा के पीछे पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का एक बड़ा गेम प्लान है। खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा करते हुए बताया है कि भारत में हमले के लिए POK में मौजूद लश्कर और जेश के आतंकियों ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत नेपाल और गल्फ देशों के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं ताकि इनके जरिए वे नेपाल और गल्फ देशों के रास्ते आसानी से भारत में घुसपैठ कर सकें। इसके लिए POK में कई नए सेंटर बनाए गए हैं, जहां नए आतंकियों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग तेज हो गई है। इस नए रणनीति के तहत बड़े महानगरों में आत्मघाती हमलों को अंजाम देना है। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉक युद्ध की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान सरकार मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के टेलीविजन चैनलों पर नजर आने पर लगी मीडिया नियामक प्रशासन की रोख के संदर्भ में छूट देती नजर आ रही है और यह आतंकी टेलीविजन चैनलों पर फिर दिखने लगा है। कश्मीर में हालिया हिंसा का दौर शुरू होने के बाद से सईद फिर से निजी टेलीविजन चैनलों पर दिख रहा है और वे कश्मीरियों की पैरोकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखे बोल बोलते नजर आ रहे हैं। वे बीते एक सप्ताह के दौरान मुख्य रूप से नियो टीवी चैनल के शो में दिखाई दिया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण के निजी चैनलों पर सईद के नजर आने के संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि नवाज शरीफ सरकार ने सईद एवं उसके संगठनों के खिलाफ लगे प्रतिबंध को चुपचाप हटा लिया है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने भले ही गिलगित और बलूचिस्तान के आंदोलनों का समर्थन किया हो, लेकिन केंद्र सरकार के सामने फिलहाल बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सीमा पार से करोड़ों की रकम यहां अशांति पैदा करने के लिए लगाई गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि कश्मीर में अशांति का ये दौर जल्द खत्म होने वाला नहीं है। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने कहा, जिस तरह से यहाँ पैसा झोंका जा रहा है, उसे लगता नहीं है कि प्रदर्शनों का ये दौर जल्द खत्म होगा। घाटी के युवाओं को प्रदर्शन करने और सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बीते 3 हफ्तों में यहाँ 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अमेरिका ने कश्मीर घाटी में हिंसा पर चिंता जताई है। उसने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजने का आग्रह भी किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने कहा कि हम संघर्ष से वाकिफ हैं, हम हिंसा को लेकर चिंतित हैं और सभी पक्षों को शांतिपूर्ण हल के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
प्रवक्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए खुला समर्थन किए जाने के बारे में पूछा गया था। उन्होंने इस विवाद में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका ने कश्मीर पर अपनी स्थिति नहीं बदली है, ये हमेशा दो देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज घर को लेकर बड़ी सुनवाई होनी है। यूनिटेक बिल्डर ने गुड़गांव के विस्टा और नोएडा के बरगंडी प्रोजेक्ट में हजारों लोगों से पैसे ले लिए लेकिन घर बनाकर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में यूनिटेक ने हाथ खड़े कर दिए कि पैसे नहीं है, इसलिए ना तो घर दे पाएंगे ना पैसे लौटा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि क्या करना है। दरअसल 7-8 साल पहले गुड़गांव के शानदार सेक्टर 70 में यूनिटेक ने विस्टा नाम में प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। 1200 फ्लैट बनने थे, तब यूनिटेक का नाम भी था और काम भी था। लोगों ने आंख मूंद कर गाड़ी कमाई यूनिटेक के हवाले कर दी और घर के उस सपने के 2012 से 2013 में सच होने का इंतजार करने लगे। साल 2012 से 2013 आया और आकर चला गया, लेकिन लोगों का सपना सपना बनकर रह गया। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झटका देने के लिए आपके दो सांसदों को साथ लेने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर पंजाब कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस पर सहमति जताई गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं, जिनमें से 2 धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा के साथ कांग्रेस संपर्क बनाए हुए हैं। पार्टी का ये भी कहना है कि अगर ये दोनों कांग्रेस का साथ देते हैं तो फायदा होगा, दोनों को सही पोजीशन दी जाएगी। राहुल गांधी के घर चली बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन कमेटी प्रमुख अंबिका सोनी, प्रभारी आशा कुमारी और रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस के नए कार्यक्रम 1 बूथ 20 युद्ध की जानकारी भी दी गई, जिसमें पीएम मोदी की तर्ज पर नारा भी दिया गया, घर घर कांग्रेस, हर हर कांग्रेस। बिहार में शराब के अड्डों को जब्त कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित की जाएगी। पिछले दिनों जिले के 3 अड्डों पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग ने शराब पकड़ी थी। उत्पाद अधीक्षक हुमार अमित ने डीएम धर्मेंद्र सिंह को अड्डों को जब्त करने और उसे राज्य सरकार की संपत्ति घोषित करने के लिए पत्र लिखा है। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक ने 5 अगस्त को दामोदरपुर के नीलिमा ट्रेडर्स की दुकान में छापेमारी की थी। इसमें अवैध विदेशी शराब के साथ 3 आरोपिता को पकड़ा गया था। दुकान को विभाग ने सील कर दिया है। राज्य 7 कानून के तहत शराब पीने, पिलाने, बनाने या बेचने वाले जगह को जब्त कर राज्य की संपत्ति घोषित किए जाने का प्रावधान है। कानून के तहत शराब पकड़े जाने वाली जगह को भी जब्त कर लिया जाएगा, उसे भी राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाएगी। पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब शराब के लाइसेंस को लेकर केजरीवाल सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार हर दूसरे दिन शराब का लाइसेंस दे रही है। आरटीआई की माने तो सरकार खुद मान रही है उसने 1.5 साल में कई लाइसेंस बांटे। दरअसल ये आरटीआई बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने डाला था, जिसमें ये पूछा गया था कि आखिरकार केजरीवाल सरकार ने 15 फरवरी 2015 से 5 जुलाई 2016 तक कितनी दुकानों को शराब के नए लाइसेंस दिए। साथ ही ये भी पूछा गया कि दिल्ली में कितने रेस्टोरेंट को बार के लिए लाइसेंस दिए गए, जिसके बाद जवाब में पता चला कि पिछले 1.5 साल में केजरीवाल सरकार ने 72 दुकानों को शराब का लाइसेंस दिया, वही 217 रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस दिया, यानी 279 के करीब शराब के लाइसेंस बांटे गए। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर पर्यावरण सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सिसोदिया ने सचिव पर चाइनीज मांझे के मामले में जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखा है कि अधिकारी ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने वाली फाइल को नजरअंदाज किया और अपनी ड्यूटी में गंभीरता नहीं दिखाई। सिसोदिया ने चिट्ठी में साफ लिखा है कि चाइनीज मांझे के प्रतिबंध से जुड़ी फाइल पर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए पर्यावरण सचिव ने 7 दिन का वक्त लिया, जबकि 9 अगस्त को उप मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री के दफ्तर ने फाइल को मिनटों में मंजूरी दे दी थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल चेतावनी दी कि यदि दलितों के खिलाफ हिंसा खत्म नहीं हुई तो अगले साल विधानसभा चुनाव में गुजरात सरकार को सबक सिखाया जाएगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में दमन का माहौल बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है क्योंकि दलितों पर बार बार हमले हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ऊना की रैली से लौट रहे कुछ दलितों पर कुछ लोगों के हमले के एक दिन बाद बोल रहे थे। दलितों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया, ये साबित करता है कि हमला करने वाले बदमाशों को बीजेपी सरकार ने भेजा था। गुजरात के ऊना में सोमवार को दलितों पर हुए हमले को लेकर मंगलवार को 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा दलितों और पुलिस पर किए गए हमले में एक ग्रामीण और 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसमें एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर भी शामिल है। इस मामले में पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल कोई ताजा घटना नहीं हुई है, लेकिन ऊना शहर में तनाव जैसा हालात है। जूनागढ़ रेंज के आईजी ब्रजेश कुमार झा ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। इस हमले के सिलसिले में 2 मामले दर्ज किए गए हैं, एक दलितों पर हमले के लिए जिसमें 4 लोग घायल हुए और दूसरा पुलिस पर हमले के लिए। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ दंगा, हत्या और साजिश करने के प्रयास का आरोप है। अफगानिस्तान की सेना ने देश के 34 में से 17 प्रांतों में व्यापक सैन्य अभियान चलाए, जिनमें लगभग 82 आतंकवादी मारे गए जबकि अन्य 64 घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी कल दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि पंक्तियां प्रांत के चमकानी और जानी खेल जिलों में आतंकवादियों के ठिकानों पर हुए हमलों में लगभग 36 तालिबान आतंकवादी मारे गए जबकि 24 घायल हो गए। मंत्रालय के अनुसार बगलन प्रांत के दाहाना एक घोरी जिले में चलाए गए अभियान में कुल 32 आतंकवादी मारे गए और 20 घायल हुए। तालिबान ने जिले में कब्जा कर सभी सरकारी कार्यालयों को नियंत्रण में ले लिया है। उसके बाद से वहां लगातार छिटपुट झड़पें जारी है। भारत की नंबर 2 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी वांग यहान को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। वांग और सिंधु के बीच ये अब तक का 7वां मुकाबला था। 3 मैचों में सिंधु विजयी रही है जबकि शेष में वांग ने बाजी मारी है। ये अलग बात है कि सिंधु ने अहम पड़ाव पर वांग पर अपनी तीसरी जीत दर्ज करते हुए उन्हें ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन से बाहर कर दिया है। सिंधु की इस जीत के साथ ही भारत की ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद फिर से जागी है, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। उन्हें एक बार फिर से दुनिया की टॉप महिला खिलाड़ी से टकराना होगा। अगले दौर में सिंधु का सामना जापान की निजोमी अकुहारा से होगा। बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा कि ब्राजीलियाई महानगर रियो डी जेनेरिया में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत को अब तक एक भी पदक ना मिलने के लिए भारत की व्यवस्था जिम्मेदार है। ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए बिंद्रा ने कहा कि देश में खिलाड़ियों पर पर्याप्त निवेश करने के बाद ही उनसे पदक की उम्मीद की जानी चाहिए। बिंद्रा रियो ओलंपिक की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल में 4th स्थान पर रहे थे और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। बिंद्रा ने भारतीय व्यवस्था पर निशाना साधने के लिए कल ट्विटर का रुख किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिटेन ने हर मेडल पर 55 लाख पाउंड खर्च किए हैं, इतनी मात्रा में निवेश किए जाने की जरूरत है। जब तक देश में व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक मेडल की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। रियो ओलंपिक में भारत के पहलवान नरसिंह यादव के मुकाबले को लेकर संशय गहरा गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस मामले में सुनवाई की है। नरसिंह को 25 जून को हुए परीक्षण में प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेथैनडाइनोन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता नरसिंह ने दावा किया था कि वह विरोधी खेमे की साजिश का शिकार हुए हैं। इस दावे को नाडा ने अपील के बाद स्वीकार कर लिया था। रियो ओलंपिक में नरसिंह यादव को 19 अगस्त को मुकाबला खेलना है और ओलंपिक के लिए हरी झंडी मिलने के बावजूद उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। मामले में वाडा ने 13 अगस्त को नाडा को पत्र लिखा था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी नरसिंह मामले में नाडा के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार।